डीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने टांडा तिराहे से लेकर कृषि मंडी तक अभियान चलाकर 125 से ज्यादा अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों की प्रशासन की टीम से नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस फोर्स के तैनाती में अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहा। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाने के साथ ही मुरादाबाद रोड पर पेट्रोल पंप के अतिक्रमण को जेसीबी से तोड़ा गया। अतिक्रमण की वजह से आवाजाही में परेशानी हो रही थी और जाम के हालात बन रहे थे। तो उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तांडा तिराहे से कृषि मंडी तक यह अभियान चलाया गया, जहां पर प्रशासन का ये बुलडोजर पहुंचा और इस पीले पंजे ने अपना काम किया और अतिक्रमणकारियों ने जिस जगह पर अतिक्रमण किया था उसको हटाया गया। कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी सरकारी जमीन है और वहां का अतिक्रमण पाया जाता तो उसको तत्काल प्रभाव से तुरंत हटाना सुनिश्चित करें और ये जो है अगर लगातार रहेगा। उत्तराखंड में धार्मिक निर्माण के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार सख्त हो गई है। अब हरिद्वार में अवैध मचार और मंदिर पर बुलडोजर प्रहार किया गया। नोटिस के बावजूद जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो लाव लश्कर के साथ प्रशासन ने मचार और मंदिर को जमींदोज कर दिया। पहाड़ पर पीला पंजा गरज रहा था, उसकी जद में जो कुछ भी आया वो जमींदोज होता चला गया। धामी सरकार के बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार की हैं। धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। 5 से 6 दिन पहले हम लोगों के द्वारा हिंदू स्ट्रक्चर हटाए गए थे, जो कि रास्तों पे या सार्वजनिक स्थान पर एस्टेब्लिश कर दिए गए थे। एक मजार को हटाया गया है जो कि बीच रास्ते में बनी हुई थी। ज्वालापुर के आर्यनगर चौक के पास बनी मजार को प्रशासन ने नेस्त नाबूद कर दिया। ज्वालापुर क्षेत्र के आर्यनगर में ये मजार बनी हुई थी, आज इसे ध्वस्तीकरण किया गया है, क्योंकि जो अवैध मजार और साथ साथ लैंड जिहाद को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है उसी को देखते मद्देनजर ये जिला प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। नगर निगम का दावा है कि मजार सरकारी जमीन पर बनी है, जिसे हटाने के लिए निगम ने नोटिस भी जारी किया था। मजार पर ही नहीं, हरिद्वार के सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे बने एक मंदिर पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से बने मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर मजारों के नाम पर अतिक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब सरकार ऐसे निर्माणों को चिन्हित करके बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार से तुषार गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गुल्लरगोजी गांव में ग्राम समाज की जमीन से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। भूमि को काफी समय पहले वाटर टैंक बनाने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन अवैध निर्माण होने की वजह से निर्माण नहीं हो पा रहा था। एसडीएम ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस का समय बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं हटा तो राजस्व की टीम ने खुद मौके पर जाकर जमीन को खाली करवाया। मिशन के तहत जो टैंक बनाए जा रहे हैं तो उसी के लिए एक हमारे द्वारा गुलरगोजी में भूमि का चिन्हित किया गया था। तो उसमें देखा था कि कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उनको पूर्व में भी बता दिया गया था कि आप इसको हटवा लें, लेकिन उनके बाद बावजूद भी इनके द्वारा ना ही अतिक्रमण हटाया गया था और ना ही वहां पर कार्य करने दे रहे थे। तो इसी उसमें हमारी जो राजस्व की टीम है मौके पर जाकर उन्होंने अपने उसमें जेसीबी चला के मौके पर अपना पोजीशन ले लिया है। और फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।